हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मंगला गौरी के व्रत में बनाए जाने वाला 16 बाती का दीपक किस प्रकार से बनाएं और सिल्लौरा, जिसे हम सिलवट्टा या फिर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो कैसे बनाएं, उसकी वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। तो देखिए, दीपक बनाने के लिए हमें आटे की ज़रूरत होगी। आप जितना बड़ा दीपक बनाना चाहें उतना आटा ले लें। आटा आप चाहें तो चावल का ले लें या गेहूं का ले लें। थोड़ा पानी ले लें, कच्चा सूत या फिर बातियां या फिर कलावा ले लें, अक्षत रोली, चंदन, हल्दी ले लें। इसके बाद में हम आटे को किसी बाउल में या फिर परात में डाल करके गूंदेंगे। देखिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा चाहें तो गुड़ डाल लें, हल्का सा घी डाल लें, गंगा जल डाल लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और एक सख्त आटा हम लगाएंगे, अच्छे तरीके से सख्त, पतला आटा नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमारा दीपक थोड़ा सा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, वो नहीं शेप में आ पाएगा। तो टाइट आटा लगाना है हमें, अच्छे से मसल करके। हो सके तो आटे को थोड़ी देर आप फूलने के लिए 10-15 मिनट के लिए रख दें। अब मैं क्योंकि इससे दो चीज़ें बना रही हूँ तो मैंने इनको दो बराबर पार्ट्स में कर लिया है। तो सबसे पहले हम दीपक बनाएंगे, इस तरीके से लोई बना करके अच्छे तरीके से हम देखिए ऐसे लोई बना लेंगे। और उसके बाद में हम इसको हाथ की मदद से गोल गोल शेप देंगे इस तरीके से। तो चहुमुखी जो दीपक होता है वो चारों दिशाओं को मेंशन करता है, चारों दिशाओं में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और जो 16 बातियाँ इसमें हम लगाएंगे वो 16 श्रृंगार को मेंशन करती हैं। मंगला गौरी के व्रत में 16 श्रृंगार का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो देखिए, मैंने इस तरीके से इसमें बाती लगाने के लिए चार कोने बना दिए हैं, एडजस्ट कर लें अच्छी तरीके से। तो ये हमारा दीपक तैयार हो गया है। इसके बाद में देखिए, बाती आप चाहें तो जो लंबी बाती आती हैं उनको चार चार इस तरीके से करके ये एक बाती बन गई। तो चारों कोनों पे 16 बातियाँ हो जाएंगी, या फिर आप कच्चे सूत में तार गिन लें, कितने तार हैं उसके हिसाब से भी आप बाती बना सकते हैं। यहाँ पर मेरा जो कलावा है उसमें चार धागे हैं, इट मीन्स वो एक बाती में चार चार करके 16 बातियाँ मानी जाएंगी। इसके बाद में हम घी डाल देंगे। तो देखिए, अगर आपको दीपक बहुत ज़्यादा देर तक जलाना है तो और बड़ा दीपक बना सकते हैं। बातियों को अच्छे से लगा देंगे तो ये हमारा दीपक तैयार हो गया है। इसके बाद में हम इसका पूजन करेंगे। हल्दी, रोली, अक्षत, चंदन, जो भी हो इस प्रकार से दीपक का भी पूजन किया जाता है। टीक लेंगे, बहुत ही शुभ रहता है इस तरीके से। यदि हम दीपक पे हल्दी रोली लगा देते हैं तो बहुत शुभ रहता है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो ये दीपक विशेष रूप से बनाया जाता है मंगला गौरी के व्रत में। अब इसके बाद में हम सिल्लौरा बनाएंगे, यानी कि सिलवट्टा। देखिए, पूजन में आपके पास यदि हो तो आप पत्थर का भी सिलवट्टा रख सकते हैं, छोटे साइज़ का हो, क्योंकि जब हम मंगला गौरी का पूजन करते हैं तो ये शिव प्रतिरूप में माने जाते हैं पत्थर। नहीं हो तो आप आटे का इस प्रकार से शेप दे करके आप सिलवट्टा बना सकते हैं। इनको भी हम अच्छे तरीके से देखिए हल्दी और कुमकुम लगाएंगे। दोस्तों, सावन में पड़ने वाले मंगलवारों को माता मंगला गौरी का व्रत सुहागन स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए और कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर प्राप्त करने के लिए करती हैं। और इस व्रत में ये दीपक और सिल्लौरा ज़रूर बनाए जाते हैं। तो आप इस वीडियो से देख करके ये दीपक 16 बाती का आटे का दीपक बना सकते हैं। अब पूजन के बाद में जब नेक्स्ट डे आप चौकी का विसर्जन करेंगे तो इस आटे को आप गौ माता को खिला सकते हैं, दोनों चीज़ों को। लेकिन आप पहले इसे हल्के से धुल लें, क्योंकि इस पर रोली हमने लगाई है, तो इसे धुल करके आप गौ माता को ला सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव सदैव देते रहें। जय माता दी।